तो ये है महाराजा स्वीट, जिस स्वीट की हम बात कर रहे थे, महाराजा स्वीट। आपको याद होगा कि 2022 में जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव थे, तब आपने इस प्रकार की फोटो बड़ी देखी होगी। ये मैं जरा रोशनी में आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में ऑटो पे सफर कर रहे हैं, देखा होगा ना आपने, बड़ी अखबारों में, टीवी में, सब जगह चली थी। जो ऑटो में अरविंद केजरीवाल सफर कर रहे थे, वो रुके कहां थे? वो रुके थे महाराजा स्वीट में, जिस महाराजा स्वीट का किराया अमूमन होटल में 8 लाख रुपए पर डे से लेकर के 10 लाख रुपए पर डे है। और इस होटल में देखिए साहब, क्या कमाल है। महाराजा स्वीट में मैं हूं, बैठने की लैविश बहुत बढ़िया। मतलब आपने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के बारे में जरूर सुना होगा। शीश महल मैंने तो नहीं देखा है, अंदर से मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन जिस प्रकार का टेस्ट उनका शीश महल में रहने का है, ये ठीक उसी प्रकार का रूम वो होटलों में, देश में, जिस भी राज्य में जाते हैं वहां लेते हैं। इसमें मैं आपको बाहर से दिखाना शुरू करता हूं। उनका एक विशेष ये आना प्राइवेट पूल होता है, प्राइवेट पूल। इस प्राइवेट पूल में मुख्यमंत्री साहब जब भी जाते हैं, महाराजा स्वीट में रुकते हैं, प्राइवेट पूल में रुकते हैं, तो आनंद लेते हैं। पूल में 1, 2, 3 मित्रों के साथ अच्छे से नहाने की, एंजॉय करने की, समय बिताने की बड़ी व्यवस्था होती है। वो मित्र कौन होंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। लेकिन इस महाराजा स्वीट के अंदर देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के डेकोरेशन के ऊपर खर्च किया हुआ है, लाखों रुपए, जिसका 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर डे का किराया होगा, स्वाभाविक तौर पे वो दिखेगा तो ऐसे ही। इसके बेडरूम में अलग अलग से एक बेडरूम, इसके जो मेन बेडरूम है, ये बेडरूम है जिसमें मैं भी बैठ के देख लेता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं तो आम आदमी हूं, वो आम आदमी जिसके नाम के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूल करके 8 से 10 लाख रुपए पर डे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी वैभव कुमार के लिए इसी प्रकार का रूम लेते हैं। इसमें वो सोते हैं, 10 लाख रुपए देकर कैसा लगता है जी सोते हुए, हमें समझ नहीं आया। हमको तो जो एक अगर सरकारी या सामान्य गेस्ट हाउस मिलता है, उसमें अगर हम बैठ करके अपना रात निकाल लें, छोटे से होटल में निकाल लें, तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल सा हो गया। लेकिन देखिए इसके अलग से, अरे क्या कमाल है, बाथरूम टब अलग से, शॉवर के लिए अलग से, वो गोल्डन, दिखने में कमाल है। 10 लाख रुपए पर डे, 10 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहा और निकल करके बैठे 80 रुपए देकर के 3-व्हीलर में। देश की जनता को आप क्या समझते हो जी? अब समझ में आया कि आपने अपने घर के अंदर करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे कैसे लगा दिए, ये खुलता कैसे जी पर्दा? ओहो, 1, 2, 3 कितने पर्दे हैं भाई, तो खुलना बड़ा मुश्किल है, कमाल है। जो पर्दे घर में लाखों रुपए के लगते हैं, वो कैसे लगे ये देखने के लिए मिलता है। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपने एक दिन नहीं, पिछले आप चुनाव के समय में आपने 40 दिन प्रचार किया, और 40 दिन प्रचार के अंदर आप होटलों में रहे, और खुद अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी बताती है, वो 8 से 10 लाख रुपए पर डे के रूम को किराए पे लेकर के रहते थे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। कैसे इस कारपेट पे जब चलते होंगे तो 10 लाख रुपए पर डे, रोज के 10 लाख रुपए, जीरो कितनी होती है जी 10 लाख रुपए में, आपको मालूम है? नहीं मालूम ना, अंदाजा नहीं लगा सकते। दिल्ली में लोग आज भी खाने के लिए भूख से तरसते हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, दिल्ली के नगर निगम की हालात बदतर हो चुके हैं, दिल्ली के स्कूलों की कंडीशन इतनी है, बिल्डर फ्लैट की तरह स्कूलों को मॉडल को बेचते हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है, और 10 लाख रुपए पर डे में रहते हो आप, पर डे के करोड़। अच्छा, ये उनके सेक्रेटरी के बैठने के लिए अलग से है, 8 लाख रुपए पर डे की कुर्सी में बैठ के कैसा लगता है जी? इसके अंदर पानी की एक बोतल अगर लेने जाओगे तो 3,000 रुपए की पानी की बोतल है, 3,000 रुपए की एक पानी की बोतल, 10 बोतल पीकर 30,000 रुपए का पानी हो गया,
आने जाने वालों को 10 आदमी को उनको पिला दिया, तीसरा उनका हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते वाला व्यक्ति अपना आम आदमी कहता है। आप मेरे से सूची मांगिए, मेरे पास सारे लिस्ट है, और मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, वो मेरी किसी बात को डिनाई करके दिखाए। बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने आकर अरविंद केजरीवाल बोले कि झूठ बोल रहे हैं, वो किसी महाराजा स्वीट में या प्रेजिडेंट स्वीट में नहीं रुके। मैं दावा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ किसी भी जगह कहीं भी मैं चुनौती देता हूं, आकर के मुझसे बहस कर ले। मैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ आया हूं, पूरे प्रूफ लेकर के आया हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं।